आप बाकी के वर्ड्स को नीचे लिख सकते हो, बट फिर इस सिक्स लाइन को आपको हर नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. ओके, जैसे कि मैं एक बार लिख के बताती हूँ. जैसे कि अगर आपकी ये जो लाइन है, अगर आपकी एक लाइन में यहीं तक आ पाया और उसके बाद आपकी लाइन ख़त्म हो गई यहाँ तक, तो आप इन वर्ड्स को यहाँ नीचे लिख सकते हो. टेक अ ट्रिप कॉमा, जहाँ कॉमा फुल स्टॉप है हमें वैसे ही लगाना है. तो जैसे इस तरह से आपने लिखा, अगर आपकी इतनी में लाइन फिल हो गई, आपने बाकी के वर्ड्स को नीचे लिखा, बट उसके बाद जो न्यू लाइन होगी उसको आपको फिर से नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. बिकॉज पोएम हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करने नहीं करेंगे. इस नई लाइन को हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. और अगर ये भी आपकी नहीं आ पा रही, जैसे आपने यहाँ तक लिखा और आपका इतना नहीं आ पाया, तो आप इसको फिर से यहाँ लिख सकते हो नीचे वर्ड्स को, अपने बचे हुए वर्ड्स को. और फिर यहाँ तक हमने लिख के लिख दिया, तो फिर इस न्यू लाइन को फिर हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. ओके, इस तरह से आपको सही से करना है. मेरी एक लाइन में आ गई, अगर आपका नहीं आता है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो, बट फिर आपको न्यू लाइन को एक नेक्स्ट लाइन से न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. ओके, सो इस तरह से आप सारी पूरी पोएम हर न्यू लाइन से लिखोगे. हर लाइन एक न्यू लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए. ओके, जैसे मैंने यहाँ पर किया है. एंड यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ द मार्जिन, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ इट. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू द हार्ड वर्ड्स, हमें फिर हार्ड वर्ड्स करने हैं यहाँ पर. जैसे हमने पहले लास्ट चैप्टर में किया था, इन द सेम मैनर वी हैव टू डू इट इन दिस वन. यहाँ पर हार्ड वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे. वी हैव टू नोट डाउन ऑल द हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज जूम, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिप, TRIP ट्रिप, वो ट्रिप पर जा रहा है, वो उस सफ़र पर जा रहा है. आपको यहाँ पर दो बार इन वर्ड्स को लिखना है, जैसे हमने पहले किया था. आपने से यहाँ पर फिल किया जूम, यहाँ पर भी फिल किया जूम. इसको आपको लर्न भी करना है. यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू प्रोनाउंस इट, एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली. देन नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिप, TRIP ट्रिप. यहाँ पर भी आपको टू टाइम्स लिखना है ट्रिप को, लर्न करना है. सून, सून सून, यू हैव टू राइट इट टू टाइम्स. स्टेप, यू हैव टू राइट डाउन स्टेप, मतलब कदम आगे बढ़ाना. बोलता है ना, अपने कदम आगे रखिए, अंदर रखिए, आ जाइए. सो स्टेप. देन रॉकेट, उसकी रॉकेट वो उड़ाता है. यू हैव टू नोट डाउन दिस वर्ड एंड यू हैव टू लर्न इट, रॉकेट. देन शिप, रॉकेट शिप है उसकी, उसकी जो रॉकेट की जहाज है तो वो उसको शिप कह रहा है. और शिप है उसकी, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे दो बार शिप, यहाँ पर भी शिप. देन गोइंग, वो हम लोग जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम लोग मून तक जा रहे हैं. सो गोइंग, यहाँ पर भी आपको गोइंग लिखना है, लर्न करना है. देन टेक, यहाँ पर भी टेक, यहाँ पर भी टेक. यू हैव टू राइट इट डाउन कि अगर आप चाहते हो मेरे शिप में आना, सफ़र लेना चाहते हो आप भी मेरे साथ, तो आप अंदर आ जाओ, वो बोलता है. सो टेक, आपको इन सारे वर्ड्स को टू टाइम्स और लिखना है एंड प्रैक्टिस करनी है. एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो लर्न दिस पोएम. आई हैव गिवन यू द होमवर्क. फर्स्टली यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वर्ड्स एंड देन यू हैव टू लर्न द पोएम एंड हार्ड वर्ड्स. आपको ये पूरी पोएम लर्न करनी है एंड ये हार्ड वर्ड्स को भी लिख लिख कर लर्न करना है. ओके, सो जस्ट डू इट टिल हियर. वी हैव कम्प्लीटेड दिस पोएम एज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है. तो हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है. आपको ये पूरा मैटर और ये वर्कशीट आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगी. स्कूल की वेबसाइट क्या है? www.srms.co.in. यू कैन गेट ऑल द मैटर्स वर्कशीट एंड नोट्स ऑफ दिस बुक इन दैट on that website. So you can get it from there, download it from there and just do your work. Okay? Thank you. Bye-bye.